आईटी सेक्टर का पेनी मल्टी बैगर स्टॉक भाव इसका है 13.80 रुपया। आईटी सेक्टर का ये शेयर है और इसका भाव है 13.80 रुपया। ये बहुत बड़ी कंपनी का, एक तरह से कहिए कि इसका बच्चा है और ये बच्चा अब बड़ा हो रहा है। ये कंपनी आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है और इसके प्राइस हैं 13.80। हम आपको एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। आईटी सेक्टर जो है हमारे देश के ही नहीं, हमारे राज्य के ही नहीं, हमारे जिला, हमारे शहर, घर के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए, इसके बिना किसी भी देश का विकास नहीं होता है। जो ये आईटी सेक्टर टेक्नोलॉजी जब तक हमारा नहीं होगा, कोई भी अगर देश आज दुनिया में राज कर रहा है तो वो है आईटी सेक्टर के बल पे। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आईटी सेक्टर के स्टूडेंट को, आईटी सेक्टर के कॉलेजेस को, आईटी सेक्टर के इंस्टीट्यूट को, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट हो, उसका महत्व शुरू से देते आ रहे हैं, वो समझ चुके हैं। इसलिए कि बहुत ही दूरदर्शी प्रधानमंत्री हैं, उनकी दूरदर्शिता के लिए हमें नहीं पूरा देश कायल रहता है। हम उनको कोटि कोटि सैल्यूट करते हैं ऐसे भारत के प्रधानमंत्री को कि आईटी सेक्टर का जीवन और चार चांद लगाने का काम किया है। और उसके बाद हर राज्य में आप जानते होंगे कि आईटी सेक्टर का ही एक छोटा प्रारूप है जिसको आईटीआई बोलते हैं। नाम सुनोगे, हर शहर में, हर जिला में आईटीआई है। उसका काम है टेक्नोलॉजी, टेक्निक सिखाना हर क्षेत्र में, और आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए आईटीआई का बहुत बड़ा योगदान है। और इस चीज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा था सालों दर सालों से। क्यों? सरकारी नौकरी क्या है? सरकारी नौकरी से क्या आप अरबपति बन सकते हैं? सरकारी नौकरी से क्या आप करोड़पति बन सकते हैं? सरकारी नौकरी ज़रूरी है, उनके लिए ज़रूरी है। और सरकारी नौकरी का मतलब क्या है? सरकारी गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट सेक्टर के जो सर्विस है, उसका जो सरकारी सर्विस करते हैं, वो भी एक शपथ लेते हैं कि वो सरकार के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित रहते हैं। लेकिन अब तो गवर्नमेंट थोड़ा सा हम हट के इसलिए बात करते हैं दोस्तों, ज़रूरी भी है, हमारा मन किया, आप भी सुन लीजिए कि अगर ऐसा अच्छा होगा ये बात हमारी, तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर ये मेरी बात अच्छी है देश के लिए, राष्ट्र के लिए, हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, आने वाले हमारे पीढ़ियों के लिए, तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पिछला वीडियो हमारा ज़रूर देखिए। क्यों? कि आप अगर पहली बार आए हैं तो नहीं जानते हैं कि इस इंटरनेटेक मुंबई MBA बी के सिंह की जो चैनल है वो किस लिए बनाए हैं और क्या हमारा मकसद है इस चैनल को बनाने के लिए। हमने प्रण किया है, चलिए हम थोड़ा सा बता दें आपको, हमारा बहुत सारा 700 से आसपास वीडियो है, हम थोड़ा सा आपको बता दें, ये हम चैनल बनाए हैं उन लोगों के लिए जिनको शेयर मार्केट की ABCD क ख ग घ नहीं मालूम है। वो फिक्स डिपॉजिट करते हैं, रेकरिंग करते हैं, आवर्ती जमा करते हैं, अवधि सावधि जमा करते हैं, वो म्यूचुअल फंड लेते हैं, वो म्यूचुअल फंड इसलिए कि उनको मालूम नहीं है कि क्या टेक्नोलॉजी है, क्या स्ट्रेटेजी है और क्या करते हैं म्यूचुअल फंड
और क्या करती है जो फिक्स डिपॉजिट जहाँ रखते हैं। उसी लिए हम ये बनाए उन लोगों के लिए जो अभी शेयर मार्केट में कुछ भी नहीं पढ़े लिखे तो हैं लेकिन शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते, उनको हम इस भाषा में ऐसे ढंग से समझाते हैं, ऐसे तरीके से बताते हैं कि उनको समझ में आए, उनको वो फंडामेंटल क्या है, बेसिक क्या है, पैनी शेयर क्या है, मल्टी बेगर स्टॉक क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है, इंट्राडे क्या है, ऑप्शन क्या है, फ्यूचर क्या है, उनको दोस्तों नहीं मालूम है। इसलिए हम अपनी भाषा दूसरों के लिए जो समझ सके हम आपको बता रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस के लिए। गवर्नमेंट सर्विस जो करते हैं उन लोगों से मेरा नम्र निवेदन है, आई मस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट, आप सभी से मेरा निवेदन है कि जिस सेक्टर में, जिस क्षेत्र में आप गवर्नमेंट की, चाहे वो प्रदेश सरकार के गवर्नमेंट एम्प्लाई हो या केंद्र सरकार के गवर्नमेंट एम्प्लाई हो, किसी भी क्षेत्र में किसी भी डिपार्टमेंट के हो, आप अपना कर्तव्य राष्ट्र के हित में जरूर करने का काम कीजिएगा। चाहे आपको कुछ भी हो जाए, आप किसी भी पार्टी का सर्वेंट नहीं रहिएगा, क्योंकि पार्टी का सर्वेंट बन गए तो राष्ट्र का विनाश हो जाएगा, और राष्ट्र के हित में अगर काम करेंगे तो आपका सर्विस करना सफल होगा। चलिए हम बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा वो शेयर मार्केट का पैसा कमाना तो सब जानता है, पैसा कमाना कौन नहीं जानता, लेकिन पैसा कमाने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाने पड़ती हैं, बहुत सारे प्लानिंग करनी पड़ती है, बहुत सारे जानकारियों के, बहुत सारे एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, वही पैसा कमाते हैं। और पैसा कमाने का मतलब ये नहीं कि हम राष्ट्र को छोड़ दें, देश को छोड़ दें, जो आने वाला भविष्य उसी पर पैसा कमाना भी निर्भर है। चलिए बात करते हैं दोस्तों आईटी सेक्टर क्या है। तो आईटी सेक्टर का जो ये स्टॉक है, जो शेयर है, बहुत ही बड़ा नाम है और फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग ये स्टॉक है। ये शेयर बहुत, इसका बेसिक बहुत, इसका जड़ बहुत अच्छा है। ये है कि ये, इसका रेट कम है। क्यों रेट कम है? कि ये जो बड़ी कंपनियां जैसे विप्रो है, टीसीएस है, इंफोसिस है, एचसीएल है, टेक महिंद्रा टेक है, हाईपीएस मेन टेक्नोलॉजी है, बिरला सॉफ्ट है, सारे बहुत सारे हजारों कंपनी हैं, किसका किसका नाम ले, लेकिन इसलिए हम बड़े नाम ले लिए कि इसी क्षेत्र में ये भी काम करता है और इसका 13.80 रुपया भाव है। और ये शेयर आपको जरूर अगर इन्वेस्ट किए बहुत बढ़िया है, और ये आपको फंडामेंटली बहुत बढ़िया, ये पैनी है और ये कभी भी मल्टी बैगर बन सकता है, कभी भी इसमें पैसा डूबने वाला नहीं है। उस शेयर का नाम है, आपको हम बता देते हैं, HCL Info Technique, HCL Infosys Info System, HCL Info System Limited, HCL Info सिस्टम लिमिटेड, हम डिस्क्रिप्शन में भी इसका नाम दे देंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि इसका शेयर का नाम है HCL Info System Limited। ये नेशनल एक्सचेंज NSE में, इंडेक्स में HCL - Info System, ये बहुत बड़ा IT सेक्टर का सेक्टर है, शेयर है, और ये अगर आप रखते हैं तो समझ लीजिए कि पैनी शेयर 13.80 रुपया का जो भाव है, ये कभी 1300 का भी हो सकता है। अगर ये 1300 हो गया तो समझ लीजिए कि आपको क्या ज़िंदगी में मिल जाएगी, और ये पैसा डूबने वाला नहीं है, किसी भी कीमत पे नहीं डूबने वाला है। ये हम पूरा एनालिसिस करने के बाद ही आपको ये हम बता रहे हैं। और ये आईटी सेक्टर
दुनिया का सबसे जरूरी, और इसके बिना दुनिया अधूरा है, और इसका विकास, किसी भी देश का विकास अगर उसका आईटी सेक्टर मजबूत नहीं है तो नहीं आगे बढ़ पाता है। और आईटी सेक्टर का हम अच्छा सदुपयोग कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में दुनिया में नंबर वन आईटी सेक्टर इंडिया का होने वाला है, और ये सेक्टर बहुत अच्छा है। और ये मैं बता रहा हूँ कि ये बड़ी से बड़ी कंपनियों के साथ ये जो स्टॉक है SCL इन्फोसिस्टम काम कर रही है, और ये शेयर आप ले सकते हैं। ये हमारा 100% एडवाइस है, आप जान लीजिए। और पहली बार आए इंटरडे टेक मुंबई पे तो आप हमारा पिछला वीडियो जरूर देखिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।